Hello students, today we are going to read and understand chapter 3, Deep Water. So without wasting any minute, let's get started. About the author, William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. William Douglas ka janm Maine, Minnesota mein hua tha. Unhone English aur Economics se apna graduation kiya. और 2 साल उन्होंने याकिमा शहर के हाई स्कूल में उन्होंने टीचिंग की. याकिमा वाशिंगटन डीसी का एक शहर है. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. और इसके बावजूद भी और फिर भी वो इस चीज़ से बहुत थक गए इस टीचिंग करियर से. एंड देन उन्होंने लीगल करियर को परस्यू किया. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और बाद में वो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट से मिले येल में. ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और उनके एडवाइज़र बने और उनके दोस्त भी बने. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. उन्होंने 1975 में उनका रिटायरमेंट हुआ और काफ़ी समय तक उन्होंने 36 ईयर्स काफ़ी लंबा समय होता है. उन्होंने हिस्ट्री के इतिहास में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये लीगल करियर किया. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. और ये जो चैप्टर है ये विलियम ओ डगलस की बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी का एक हिस्सा है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल. और ये बताया गया है इसमें कैसे जब वो एक छोटे बच्चे रहते हैं, यंग बॉय रहते हैं, विलियम डगलस क्या होते हैं, नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल, यानी वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचते हैं. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर. और इस एसे में उन्होंने अपने डर के बारे में बताया है, पानी के डर के बारे में. हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे बाद में उसे ओवरकम किया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कैसे उन्होंने फियर के ऊपर डिस्कशन किया है और उसको ओवरकम भी किया है, इसके बारे में उन्होंने बताया है. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन नाउ. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. ये तब की बात थी, तब हुआ था जब ये 10 और 11 साल के थे. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. और नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करें सीखेंगे. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और याकिमा में YMCA एक जगह बिल्डिंग थी, स्टेडियम. YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. तो ये दिल्ली में भी है. तो वहाँ पे एक पूल था उस बिल्डिंग के अंदर और वहाँ पे ये स्विमिंग करना चाहते थे. द याकिमा रिवर वॉज स्ट्रेचरस. याकिमा, क्योंकि याकिमा की जो रिवर थी, नदियाँ थी, बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट. और उनकी जो माँ थी बराबर उसके बारे में उन्हें वो वॉर्न करती थी, चेतावनी देती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राइंग इन द रिवर. वो बराबर उस बात को बताती रहती थी कैसे कौन सी याकिमा की जो रिवर थी वहाँ पर बहुत से लोग डूबते थे. सो इस बारे में वो वॉर्न करती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन ऑथर के लिए YMCA का जो पूल था वो बहुत ही सुरक्षित था. सो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं थी. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. और यहाँ बताया गया है कि जो YMCA का जो पूल था वो 2 or 3 feet डीप था एट द शैलो एंड. शैलो एंड मतलब जैसे कि स्विमिंग पूल जो होता है वो एक तरफ शुरुआत में वो शैलो होता है, मतलब कम गहराई का होता है, फिर सबसे एंड में जो होता है स्विमिंग पूल सबसे गहरा हो जाता है, ज़्यादा गहरा हो जाता है. तो एक स्लोप होती है स्विमिंग पूल में. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर. और सबसे और जो गहराई में कितनी फीट थी उसकी, 9 feet थी. यानी वो 2 to 3 feet से स्लोप जाते हुए वो सबसे गहरे 9 feet तक वो स्विमिंग पूल जाता था. द ड्रॉप वॉज वेरी ग्रेजुअल. और ड्रॉप मतलब अगेन वो जो स्लोप था वो कैसा था, धीरे धीरे 2 feet से धीरे धीरे 9 feet था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. और जो नैरेटर रहता है, जो ऑथर रहता है, उसको क्या मिलता है, उसे पेयर ऑफ वाटर विंग्स. विंग्स मतलब हाथों पे बच्चों के लिए यूज़ होता है, वो हाथों में एक इन्फ्लेटेड वाटर प्रूफ होता है, उसको लगा लेते हैं ताकि वो डूबे ना. सो वो तो पूल में चला गया. आई हेटेड टू वॉक. सो ये दिया मैप रिवर का. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट.
अब यहाँ जो ऑथर है वो बता रहा है कि उसको जो है वो अपने कपड़े उतार के उसको पानी में कूदने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, उसको नफरत होती थी, क्योंकि इस तरह क्या होता था उसकी जो स्किनी लेग्स थे, जो दुबले पतले पैर थे, वो दिखने लगते थे। सो बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन चूंकि इसे सीखना था ना ऑथर को पानी में कूदना और स्विमिंग सीखना था, इसलिए वो अपने ईगो क्या कर लिया, उसने सबड्यू कर दिया यानी दबा दिया और फिर स्विमिंग की उसने। फ्रॉम द बिगेनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। और शुरुआत में जब पानी में गया तो उसको बहुत ही वैसे शुरू से उसको डिसलाइक था, अवर्जन मतलब डिसलाइक, उसे पसंद नहीं था पानी में जाना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। और ये उस दिन के बारे में बता रहा है उस समय की जब वो 3 और 4 साल का था और अपने फादर के साथ कहा गया था, ही फादर टुक मी टू दी बीच इन कैलिफोर्निया। उनके फादर ने उसे कैलिफोर्निया के बीच में ले गए एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और वो उसके फादर कहाँ सर्फ पे खड़े हो गए। सर्फ मतलब यहाँ पे वेव से जो सर्फ बोर्ड होता है उस पर जो हम सर्फिंग करते पानी पे, तो उस वो दोनों खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम और एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। इन इस सब के बावजूद भी वो कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वेव्स जो होती, लहरें जो होती इतनी तेज़ रहती हैं, वो डगलस को गिरा देती हैं और उसके पानी और पानी वो पानी में डूब जाता है। आई वॉज बेरीड इन वाटर। वो पानी में मानो जैसे कि दफन हो गया था, डूब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, सांस टूट चुकी थी, जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, लेकिन उसके जो पापा थे वो हंस रहे थे। बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वो जो पानी में डूबने के बाद जो डर आ गया था उसके दिल में समा गया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त डर था जो उस लहर की वजह से आया था, डूबने की वजह से आया था। तो हम यहाँ हमने देखा कैसे बचपन में ये छोटा सा फियर जो उसको जो फियर था, डर था, वो बाद में उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। और उसके फादर वहाँ पे हंस रहे थे क्योंकि उनके लिए ये मामूली सी बात थी। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब जब ये YMCA के स्विमिंग पूल में गया तो ये अगेन स्विमिंग पूल में जैसे ही उसने कदम रखा तो ये अनप्लेजेंट मेमोरीज यानी जो बहुत ही अजीब सी, बहुत ही जो हैप्पी मेमोरीज नहीं थी, अनहैप्पी मेमोरीज थी, अनप्लेजेंट जो बहुत ही बेचैनी खड़ी कर देने वाली मेमोरीज थी, यादें थी, वो दोबारा वापस आई। रिवाइव मतलब कम टू हिज माइंड एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। और अगेन वो बचपन का जो डर था वो वापस उसके अंदर आ गया। बट इन एट लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी देर में उसने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। और अपने उस वाटर विंग से उसने हाथ मारना शुरू किया, वॉचिंग दी अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। और उनकी नकल करते हुए, एपिंग मतलब होता है कॉपी करना, और उसने नकल कर करके सीखना शुरू किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर वेन द मिसएडवेंचर हैपेंड। और 2-3 समय ऐसे वो करता था दिन में, ऐसे दिन गुजरते गए और वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील। और फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, उसको कंफर्टेबल महसूस होने लगा, मतलब उसका जो डर था धीरे धीरे जा ही रहा था कि व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। तभी क्या होती है, एक मिस एडवेंचर होता है, एक बहुत ही एक ट्रेजेडी घटती है वहाँ पे, कुछ कुछ अनहोना होता है वहाँ पे, अनहोनी सी बात होती है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। और यहाँ पे जो डगलस है वो पूल पे जाता है इस बार जब वहाँ पे कोई नहीं रहता। ये बता रहा अपने बारे में कि जब वो पूल पे जाता है इस बार और वहाँ पे कोई नहीं रहता है। द प्लेस वॉज क्वाइट, और जगह होती बहुत ही शांत नज़र आती है। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर रहता है। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है साफ साफ, उसकी टाइल्स दिख रही होती हैं सफ़ेद सफ़ेद, और क्लीन एज अ बाथ टब, जैसे बाथ टब होता है वैसे साफ साफ रहती हैं। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। और इसे डर लग रहा होता है अकेले जाने में स्विमिंग पूल के, टीम मतलब से डर, वैसे टीम मतलब डरपोक होता है, तो उसे डर लग रहा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो ये स्विमिंग पूल के साइड पे बैठ गया दूसरे का इंतजार करते हुए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रॉबेबली 18 years old। अभी ज़्यादा देर हुआ ही नहीं था कि वहाँ पर कोई एक बिग ब्रूजर आया। ब्रूजर मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी अग्रेसिव एंड यू नो रेडी टू एंड इन्जॉयज फाइटिंग इन आर्ग्यूमेंट। तो एक बंदा ऐसा आया जो लड़ाकू टाइप का बंदा था, ब्रूसर मतलब लड़ाकू टाइप का बंदा था, बड़ा सा हट्टा कट्टा, बट एक्चुअल में एज में वो कितना था, वो करीब 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और वो हेयरी पर्सन था, यू नो ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन। और स्पेसिमैन मतलब एग्जाम्पल में वाकई वो डील डॉल बहुत ही सुंदर था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके लेग्स और आर्म्स जो थे बहुत ही
मस्कुलर थे. ही येल्ड, और वो चिल्लाता है हाय स्किनी, और क्या चिल्लाता है कि हाय दुबले दुबले पतले इंसान, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, और उससे क्या बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में उठा के फेंक दूँ. डक्ड मतलब होता है उठा के फेंक देना पानी में. सो विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और फिर क्या करता है वो मुझे उठाता है और उस गहरे पानी में मुझे स्विमिंग पूल में फेंक देता है, और वो कहाँ चला जाता है एकदम इनटू द डीप एंड, और डगलस जो होता है एकदम स्विमिंग पूल की एकदम गहराई में चला जाता है. आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजिशन सॉलिड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो जैसे साइड में बैठा होता है वो सिटिंग पोजीशन है वैसे ही वो बंदा उसे ब्रूसर उसे उठाता है वो लड़का, और वैसे ही उठा के उसे फेंक देता है. तो उसी वो सिटिंग पोजीशन में ही वो गहराई में चला जाता है, और इस तरह क्या होता है जो जा ही रहा होता है ही सॉलिड वाटर, वो पानी पी लेता है. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही वो नीचे चला जाता है बॉटम में स्विमिंग पूल के, यानी 9 फीट गहराई में. हाव आई वॉज फ्राइटेंड, और वो बहुत डर जाता है, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, विट्स मतलब यहाँ पे आउट ऑफ माई विट्स मतलब इंटेलिजेंस है, मतलब वो डर तो जाता है लेकिन इसका अभी भी दिमाग चल रहा था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, अब वो जब जा ही रहा था तो उसने ऑन द वे डाउन मतलब जब वो फेंका, वो जब जा ही रहा था वो डरा तो था लेकिन उसका दिमाग चल रहा था, उसने क्या कुछ प्लान कर लिया, उसने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई. क्या था वो, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जैसे मेरा जो उसका जो पैर था वो बॉटम को हिट करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप. उसकी स्ट्रैटेजी ये थी जैसे उसका पैर बॉटम को हिट करेगा वो एक बड़ा सा जंप मारेगा, कम टू द सर्फेस, और सर्फेस पे आ जाएगा, लाइफ फ्लैट ऑन इट, और वो पानी की सतह पे आ जाएगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो उस तरह वो हाथ मार के पूल के किनारे आ जाएगा. सो ये उसने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अब चलो मैं जा ही रहा हूँ अब, लेकिन मुझे बाहर आना है, तो उसने स्ट्रैटेजी बना ली इस तरह की. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. It seemed a long way down. लेकिन जब वो पानी में गया और इस तरह उसने कोशिश की करने की, तो वाकई वो ऐसा लगा कि वो 9 feet नहीं था, वो 90 feet गहरा स्विमिंग पूल था. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. और इससे पहले कि वो बॉटम पे यानी स्विमिंग पूल की गहराई को उस पर टाइल्स को छू पाता उसका पैर, उसका जो लंग्स था उसकी ब्रीदिंग खत्म हो चुकी थी, उसकी ब्रेथ खत्म हो चुकी थी, उसकी सांस टूटने लगी थी. बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे उसका पैर उस बॉटम को उसको छुआ उसने, तो क्या हुआ, उसने अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, समर्ड मतलब होता है गैदर, उसने अपना जो कुछ भी ताकत उसने लगाई, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ताकत लगा कि उसने क्या किया, छलांग लगाई, यानी वो एक जंप किया, ग्रेट स्प्रिंग मतलब एक पुश देते हुए अपने आप को उसने ऊपर की ओर उठाया. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और उसने ऐसा इमेजिन किया जैसे कि बॉटल होती है शैम्पेन वगैरह बॉटल होती है, तो उस पे ऊपर कॉर्क लगा होता है, जब उसे हिलाते हैं तो वो पूरे प्रेशर के साथ कॉर्क जो होता है वो उछल के गिर जाता है, तो वैसे इसने बॉब मतलब उछल के गिर जाना, तो उसने सोचा कि मैं वैसे ही जाऊँगा, पुश करूँगा बॉटम से नीचे, और फिर वो ऐसे कॉर के समान वो कॉर के जैसे वो उछल के सरफेस पे आ जाएगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जैसा उसने सोचा था प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो जब आ रहा था वो धीरे धीरे आ रहा था, बहुत स्लोली. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, और जब उसने आँखें खोली तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया. बट वाटर, तो दिखाई तो दिया, सिर्फ क्या दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, टिंज मतलब होता है रंग का हल्का रंग, जैसे कि जब वो ऊपर आ रहा होता है पानी पे तो उसको कुछ दिखा नहीं देता है, लेकिन हाँ पानी हल्का पीलापन दिखाई देता है, और पीलापन क्यों रहता है, क्योंकि जो बिल्डिंग रहती है स्विमिंग पूल में वहाँ पे येलो लाइट जल रही होती है, तो उसके सर्फेस पे पानी के क्या होता है हल्का पीला शेडो आ रहा होता है. आई ग्रू पैनिकी, और वो क्या होता है बहुत ही छटपटाने लगता है. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, अब वो ऊपर आ रहा था मानो वो जैसे कुछ रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, रस्सी पकड़ रहा है, बट एक्चुअली उसके हाथ में कुछ नहीं आया सिवाय पानी के. आई वाज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू येल, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, बट नो साउंड केम आउट, क्योंकि पानी के अंदर की तो कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी आ रही थी. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. फिर उसकी आँख और nose जो थी, नाक जो थी, वो बाहर तो आई पानी के, लेकिन उसका मुँह पानी के अंदर ही था, यानी वो somehow उसकी आँख और नाक बाहर तो आ पे, लेकिन मुँह उसका पानी के बाहर नहीं आ पाया. I flailed at the surface of water, swallowed and choked. Flailed मतलब होता है अपने हाथ को हिलाना, और वो
पानी पे वो हाथ मार रहा था अपने पानी पे, वो पानी के सरफेस पे वो हाथ, जैसे नहीं बचने के लिए हम करते डूब रहे होते, तो पानी पे वो सरफेस खूब हाथ मार रहा था, हाथ मार रहा था कि वो तैर सके, स्वालोड, लेकिन उसने पानी को स्वालो कर लिया, पी लिया एंड चोक्ड, और चोक्ड मतलब होता है उसकी ब्रीदिंग जो थी वो टूट गई थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि पैर को अपने प्रोफेशनल स्विमर की तरह वो उठाए, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन उसका पैर ही न्यूट्रल था, ऐसा लग रहा था मानो उसका पैर जो था उसे भारी हो गया है और वो डेड हो गया, मतलब उसमें जान नहीं रही, पैरालाइज एंड रिजिड, और बहुत ही कठोर हो गया है, सख्त हो गया पैर, ऐसे जैसे उसको पैरालाइज हो गया, यानी वो फालिश मार दिया है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था हमारा कोई बड़ी ताकत उसे कोई अंदर खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, और वो चिल्ला रहा था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था उसके, और आवाज़ बाहर नहीं आता, ऐसा लग रहा था कि पानी उसकी सिर्फ आवाज़ सुन रहा है और कोई नहीं सुन रहा है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, तो नैरेटर जो ऑथर है डगलस, और उसने पूरी कोशिश की, और एक तरीके से उसकी जो है कि जर्नी बन गई थी, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और जब ऊपर तो आया लेकिन फिर अगेन वो जब उसको कुछ कुछ नहीं मिल पाया तो वो अगेन फिर वो नीचे ही वापस वो बॉटम की ओर जाने लगा, और डगलस है वो इस चीज़ को कह रहा है, वो एक लॉन्ग जर्नी जैसे लग रहा था, वो एक काफ़ी लंबी यात्रा थी, 9 फीट की ऐसे लग रही थी वो, 9 फीट की 90 फीट की हो गई थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और वो अगेन जो वो नीचे जा रहा था वो पानी को मारा जा रहा था, वो हाथ से मार रहा था, छटपटा रहा था, आई एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और वो अपनी स्ट्रेंथ को भी खो रहा था, एज वन इन नाइट मे ऑफ फायर्स एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि जब बुरे सपने होते, बुरे सपने में हम हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन उस सपने से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो कुछ कुछ इस टाइप का हो रहा था, वो एक नाइट मेयर के जैसे था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उसने सारी अपनी सांस खो दी थी, माई लंग्स एक्ड, इनका इनका लंग्स दर्द कर रहा था, माई हेड थ्रॉप, इनका सर दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था, आई वॉज गेटिंग डिजी, और डगलस जो थे वो उनको चक्कर आने लगा, उनको उनको जैसे अनकॉन्शियस हो रहा था धीरे धीरे वो, बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटी, लेकिन अभी भी उसको वो अपनी वो प्लानिंग वो स्ट्रैटी याद थी, उसको याद आया, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कोर्ट टू द फोर्स, और उसकी क्या स्ट्रैटी याद थी कि वो वापस जाएगा बॉटम से स्प्रिंग करेगा और वो पुल तक आ जाएगा, जैसे कि कॉर्क आता है सरफेस तक, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर ऊपर आके वो अपने वाटर पे फ्लैट हो जाएगा पैर ऊपर करके, और फिर वो स्विमिंग करेगा और बाहर आ जाएगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथ से मारेगा, ट्रैश विथ माई लेग्स, अपने पैर को चलाएगा, देन आई वुड गेट टू दी एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह फिर वो पूल के एज पे आके सेफ हो जाएगा। तो ये अगेन वो फिर वो हिम्मत नहीं हार रहा है, वो स्ट्रैटेजी अपनी लगा रहा है। I went down, down endlessly. I opened my eyes. Nothing but water with a yellow glow. Dark water that one could not see through. तो वो नीचे जा रहा है endlessly. ऐसा लग रहा है कि उसके कोई कोई एंड नहीं है बॉटम का। उसने जब अपनी आँखें खोली कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, और कैसा पानी, पानी में येलो ग्लो आ रहा था बिकॉज ऑफ लाइट, जो सरफेस के पानी के बाहर स्विमिंग पूल में लाइट जो जल रही थी उस वजह से येलो सरफेस दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जो अंदर जो था वो इतना डार्क था पानी कि कुछ भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी क्या होता है, एक शीयर स्टार्क मतलब होता है एक ज़बरदस्त एक संपूर्ण कंप्लीट टेरर, एक ऐसा टेरर जो एकदम से उसके समा जाता है, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा टेरर ऐसा डर समाता है जो कोई अंडरस्टैंडिंग जिसकी नहीं है, लाइक कुछ समझ नहीं सकता, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा टेरर जिससे कोई काबू नहीं कर सकता है, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा टेरर जो कोई समझ नहीं सकता है, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा टेरर जो कभी कोई समझ नहीं सकता जब तक उसको वो एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, और डगलस वो पानी के अंदर क्या हो रहा था, वो चिल्ला रहा था, श्रीक मतलब चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर, और पानी में वो पैरालाइज्ड हो चुका था, वो जैसे कि उसकी जान नहीं है, उसका हाथ पैर हिल ही नहीं रहा है, और वो कैसे डर के जैसे एकदम से रिजिड हो गया था, कड़ा हो गया था, स्टिफ हो गया था, इवन द स्क्रीम्स इन माई जकड़ गया था, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और बता रहा है उसका जो चिल्लाने की वजह से उसका जो थ्रोट था, जो गला था, वो क्या हो गया था, और पानी की वजह से क्या हो गया, जम सा गया था, ओनली माई हार्ट, लेकिन उसका सिर्फ जो हार्ट था, दिल था, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और जो हेड में जो जो बीट हो रहा था, यानी जो उसका सर जो दर्द हो रहा था वही सिर्फ चल रहा था, उसकी हार्ट की बीट चल रही थी, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, और इससे इसको पता था कि वो अभी भी जिंदा
है, यानी इसका हाथ पैर काम करना बंद कर चुका था, लेकिन सिर्फ इसका दो चीज़ चला था, वो है इसका दिल और इसका दिमाग। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। इन सब टेरर के बीच, इन सब डर के बीच में, इस सब के चैलेंज मतलब इस सब के बीच में उसको एक आइडिया आता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप। और इसने क्या कहा कि जब वापस जाएगा बॉटम के पास हिट करेगा, वैसे इसको जंप करना है। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। और आखिर में क्या हुआ, उसने अगेन उसके जो उसका टोज रहता है, उसका जो पैर की फिंगर्स रहती है, वो नीचे जाके छूती है बॉटम को, मानो इफ एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि वो उसे वो पकड़ रहा है, वो बॉटम उसको पकड़ रहा है उसके पैर को। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, और उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ भी स्ट्रेंथ थी, पूरी ताकत लगा के वो क्या करता है, अपने आप को जंप करता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उसने जंप जो किया उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अगेन अभी भी पानी जो है उसके चारों ओर ही है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, उसने पूरी कोशिश की कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी उसे मिला नहीं सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और जो येलो वाटर जो पानी था, पीला पीला दिखाई दे रहा था, वो उसका जो उसकी जो अमाउंट थी पानी की, वो जो इतनी इतना ज़्यादा पानी था, वो उसको जैसे कि उसको जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो उसको। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो ये जो भयंकर डर था, वो उसको इस तरह से उसको जकड़े हुआ था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वो उसके दिल तक बैठ गया था, उसके समा गया था वो डर, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो डर मानो किस तरह था उसके लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक दिया जा रहा है उसे, इस तरह का उसको कंपन महसूस हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की उस डर की वजह से। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और वो डर की वजह से इतना हिल रहा था, इतना कपकपा रहा था, इतना शुक मतलब हिलना या कपकपाना, सेम ट्रेम्बल्ड मतलब भी, तो फ्राइट मतलब डर, तो डर की वजह से बहुत ही वो कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, उसके पैर नहीं हिल रहे, उसके आर्म्स के हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, उसके पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने हेल्प की मदद मांगने की कोशिश की, टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाने की कोशिश की, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन स्विमिंग पूल से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तभी अचानक अजीब सा कुछ होता है। क्या होता है कि लाइट दिखती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, अब वो उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा है। एटलीस्ट माई आईज वर, एटलीस्ट कह रहा है कम से कम उसकी आँख बाहर आई और उसने कुछ देखा। My nose was almost out too. उसका करीब करीब उसकी नाक भी पानी के थोड़ा बाहर आया। Then I started down a third time. अब एक बार ऊपर आया था, फिर नीचे गया था, सेकेंड टाइम ऊपर आया था, फिर नीचे गया, अब ये थर्ड टाइम क्या हो रहा है, ऊपर आने के बाद फिर वो नीचे जा रहा है। I sucked for air and got water. और उसने सांस लेने की कोशिश की हवा में नाक से, लेकिन उसको बदले में सिर्फ पानी ही मिला। The yellowish light was going out. अब अगेन वो नीचे चला जा रहा है, क्योंकि उसे कोई सरफेस मिला नहीं, कोई बेस मिला नहीं, ना किसी चीज़ को पकड़ पाया, ना वो तैर पाया, अगेन वो नीचे की ओर जा रहा है, और येलो लाइट जो यानी ऊपर की सरफेस की धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। देन ऑल एफर्ट सीज, और सारी स्ट्रेंथ उसकी ख़त्म हो जाती है, और धीरे धीरे सारी एफर्ट उसने जो लगाई होती है धीरे धीरे ख़त्म स्टॉप होने लगता है। आर रिलैक्स्ड, अब वो रिलैक्स हो रहा है थोड़ा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और उसके जो इवन जो पैर थे, जो टांगे थे, लेग्स थी, वो लिम्प हो जाती है, लाइफलेस बेजान होने लगती हैं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उसके दिमाग में, ब्रेन में क्या होता है, एक ब्लास्ट, एक कालापन आने लगता है। इट वाइप्ड आउट फियर, और उसका डर भी अब, उसकी वजह से उसका डर भी अब चला गया। वाइप्ड आउट मतलब मिट गया, उसका डर मिट गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो जो आतंक था वो भी मिट गया। There was no more panic. अब वो छटपटाहट नहीं है उसकी, अब वो छटपटा नहीं रहा है। It was quiet and peaceful. अब डगलस को थोड़ा सा शांति लग रही है, एक क्वाइट लग रहा है, शांति लग रही है। Nothing to be afraid of. अब किसी बात की डर की ज़रूरत नहीं है। This is nice. डगलस बता रहा है बहुत अच्छा था। To be drowsy. अब उसे नींद आ रही है। To go to sleep. अब उसे सोना है। No need to jump. अब उसे जंप नहीं करना है। Too tired to jump. अब वो बहुत थक चुका है कूदते। It's jump करते हुए। It's nice to be carried gently. अब आराम से वो gently वो नीचे चला जा रहा है। To float along in space. और ऐसा लग रहा है मानो वो space में float कर रहा है, तैर रहा है। Tender arms around me. ऐसा लग रहा है कोई उसे tender हाथों से, उसे कोमल हाथों से पकड़ा हुआ है। Tender arms like mother's. और ऐसा tender arms जैसे कि उसकी माँ का हो। Now I must go to sleep. अब उसे सोना है। तो इस पैराग्राफ से ये दिख रहा साफ यहाँ पे
वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं और उसका जो लाइफ का एंड है वो अब करीब आ चुका है. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि जब आप अनवेयर हो जाते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो यानी बेहोश होने लगते हो और इट कम्स टू एन एंड और आप जीवन के आखिरी पल में आ जाते हो, क्षण में आ जाते हो, उसे ऑब्लिवियन कहते हैं. सो वो उसको पता चल गया आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, अब वो ऑब्लिवियन भी आ गया है एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल और अब उसका जो जीवन है वो यहाँ पे कर्टन ऑफ लाइफ फेल मतलब अब वो गहरी नींद में जाने वाला है यानी वो हो सकता है मरने ही वाला है. उसकी डगलस कह रहा है यहाँ पे द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. अब अगली जो नेक्स्ट टाइम उस जो अगला समय जो याद था उसे सिर्फ ये याद था कि वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था पूल के बगल में और उल्टी कर रहा था, वॉमिट कर रहा था. द चाप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग और जिस ब्रूसर ने, जिस लड़के ने, चाप मतलब बॉय ने उसको स्विमिंग पूल में फेंका था वही कह रहा था वहाँ खड़े होके बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था. समवन सेड, तभी किसी ने कहा द किड नियरली डाइड. तुम मजाक कर रहे थे, लड़का मरते मरते बचा है. बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम और वो उसे बोलता है कि आओ हम इसे लॉकर रूम ले चलते हैं. लॉकर रूम वो होता है जहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर होता है. सो सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम और काफ़ी घंटे बाद वो फिर घर जाता है. वो आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. डगलस बहुत कमज़ोर रहता है, बहुत ही कांप रहा होता है डर की वजह से. आई शूक एंड क्राइड, वो कांप रहा होता है, चील चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है. व्हेन आई ले ऑन माय बेड, जब वो अपने बिस्तर पे होता है तब भी वो कांप रहा होता है और रो रहा होता है. वो डर जो उसके समा जाता है वो उसको भूल नहीं पा रहा होता है. आई कुडंट ईट दैट नाइट और इस डर की वजह से वो रात भर खाना भी उसने नहीं खाया, उस रात वो खाना भी नहीं खाया. फॉर डेज़ अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट और कई दिनों तक वो हॉन्टिंग फियर, वो डराने वाला जो एक फियर जो रहता है उसको, वो उसके दिल में समाया हुआ होता है. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी दबाव उसका जो हल्का सा भी एक्सर्शन प्रेशर होता है वो उसको अपसेट कर देता, परेशान कर देता. मेकिंग मी वॉबलिंग इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. वो थोड़ा सा भी अगर उस एक्सर्शन हुआ, प्रेशर हुआ किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता था उसके घुटने वॉबल करने लगते थे. वॉबलिंग मतलब लड़ने लगते थे, ट्रेम्बल करने लगते थे आपस में. एंड सिक टू माई स्टमक और उसकी तबीयत क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी डर की वजह से. आई नेवर वेंट टू बैक टू द पूल और फिर वो दोबारा पूल पे वापस कभी नहीं गया. आई फियर्ड वाटर और फिर वो पानी से डरने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड और वो तब और हम जब भी हो सके वो पानी को वो अवॉइड करना शुरू कर दिया, यानी उसको क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया यानी पानी का डर हो गया. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम. और कुछ सालों बाद जब उसको पता चला कैस्केड्स के पानी के बारे में, कैस्केड्स मतलब झरना भी होता है, कैस्केड मतलब यहाँ एक जगह है उसके पानी के बारे में उसे पता चला, वहाँ की नदियों के बारे में. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम और वो वहाँ जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डेड और जब भी वो वहाँ गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द थियोटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वॉर्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. और जब वो वहाँ जाता बेडिंग करने, बेडिंग मतलब पानी में नॉर्मल चलता भी अगर टेटन पे और बम्पिंग रिवर में या वॉर्म लेक में वो नहाता, ऑफ द गोट रॉक्स ये जगह है वहाँ का, वो अगर झील में नहाता भी तो उसे क्या होता, वो अगेन वो पुराना जो टेरर था, जो डर था, वो अगेन उसको वो समा जाता उसके दिल में और वो डरने लगता. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली और तब फिर वो उसे ऐसा मानो कि वो उसके ऊपर पूरा यू नो उसे काबू कर लिया वो डर ऐसे तरह से. टेक पोजेशन मतलब होता है उस पर हावी हो गया इतना कि वो एकदम पैरालाइज हो जाता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड और उसके लेग्स जो होते थे वो एकदम से स्टिफ हो जाते थे, हिलना डुलना बंद कर देते थे. आई सी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट और वो ज़बरदस्त जो डर था, हॉरर जो था, आतंक जो था उसको, वो उसके दिल में उसको दिल को जकड़ लेता था, उसको समा जाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज ईयर्स रोल्ड बाय और इस तरह का ये जो हैंडीकैप था, हैंडीकैप से क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि इस फियर की वजह से वो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था. तो एक तरीके से वो उसके लिए ये एक फियर एक हैंडीकैप बन गया था. तो ये हैंडीकैप उसके साथ मतलब जैसे जैसे साल गुजरते गए वो बड़ा होता गया, ये हैंडीकैप बन के ये फियर जो उसके साथ ही बना रहा. इन कैनूज़, कैनूज़ मतलब जो स्मॉल बोट होता है रनिंग के लिए या स्पोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं,
इन कैनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेवन. फिर कैनूज को लेकर वो मेन लेक्स जाता है फिशिंग के लिए. कौन से फिश पकड़ने? सैल्मन फिश पकड़ने जाता है, लैंड लॉक्ड सैल्मन फिश. बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर. हैम्पशायर ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशूट्स एंड नेटोलियस इन अरेगॉन. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एंड बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फीयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. तो ऊपर जितने भी दिए गए हैं वो प्लेसेस के नाम हैं जहाँ जहाँ वो, चाहे वह हैम्पशायर जा रहा है, मेटोलियस जा रहा है, यू नो सैल्मन फिशिंग करने जा रहा है, कोलम्बिया जा रहा है, बम्पिंग लेक जा रहा है, कैस्केड्स में, तो जहाँ भी वो जाता था अगेन जो पुराना हॉन्टिंग फीयर था उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आता था और उसे वो यू नो जकड़ लेता था उसको. इट टुक पोजेशन ऑफ हिम. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. और इस डर की वजह से, इसका हाइड्रोफोबिया की वजह से, इसका पूरा जो फिशिंग ट्रिप्स था वो हमेशा से बर्बाद हो जाता था. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग. और डगलस का जो एक हॉबी, एक फॉन्ड यू नो ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग कैनोइंग बोटिंग, ये सब का उसका शौक था, लेकिन वो उस डर की वजह से ये सब, उसका जो ये जो आनंद होता था, उसकी जो खुशी होती थी वो छिन जाती थी उस डर की वजह से. डिप्राइव मी ऑफ, मतलब उसकी खुशी छिन जाती थी उस डर की वजह से. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. और इसने पूरी हर एक भरसक कोशिश की कि वो जो भी जानता था ताकि इस फियर को ओवरकम कर सके, प्रबल हो सके, इस पर हावी हो सके. बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन ये डर उसको एकदम जकड़े हुए था. फाइनली आखिरकार 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के महीने में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. फाइनली उस चीज़ से वो फेड अप हो चुका है इस डर से. अब उसने कहा मुझे इससे बाहर आना है, तो उसने एक इंस्ट्रक्टर कहा कि मैं इंस्ट्रक्टर लूँगा और स्विमिंग सीखूँगा. आई वेंट टू अ पूल, और ये पूल गया एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक. और ये पूल जाता और हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता स्विमिंग पूल में, करीब 1 घंटा हर दिन, 1 घंटा हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. और इंस्ट्रक्टर क्या करता, उसके वेस्ट पे, कमर पे एक बेल्ट लगाता, अ रोप अटैच टू द बेल्ट. उस बेल्ट से रोप लगा, एक अटैच करता. वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. और फिर वो एक केबल से, एक केबल से बांधते हुए वो पुली, मतलब जो होता है जो आपस में जोड़ने वाला हिस्सा होता है रोप को, वो दूसरी जगह जाके उसे बांध देता. तो इस तरह क्या है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. और एक रोप का जो आखिरी सिरा रहता वो उसे इंस्ट्रक्टर से पकड़े रहता. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. और इस तरह डगलस जो था वो पानी के इस पार से उस पार, इस पार से इस पार करता, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटे घंटे दर घंटे वो इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करता, डे आफ्टर डे, दिन दिन पे दिन, वीक आफ्टर वीक. तो इस तरह रोज़ वो अपनी प्रैक्टिस करता. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. और हर एक ट्रिप जो वो लगाए, जो पूल में वो कूदता था और वो एक साइड से दूसरे साइड जाता था, दूसरे साइड से तीसरे साइड जाता था, तो एक कहीं ना कहीं उसको वो जो एक पैनिक, जो डर, एक डर था वो वापस आता था उसे. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप. वो हर एक समय जब इंस्ट्रक्टर वो अपनी रस्सी को जो छोड़ता था, यानी वो रस्सी को एक साइड पकड़ा रहता था जो कि इसकी कमर से जाके बंधी होती थी, तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर छोड़ता था, रस्सी ढीली करता था जब छोड़ता था, तो एंड आई वेंट अंडर, और जो पानी के अंदर जाता था, सम ऑफ दी ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फॉल्स. अगेन जो पानी के अंदर वो जाता तो पुराने आतंक, पुराना डर वापस के आता, उसके पैर पैरालाइज्ड अगेन हो जाते हैं. इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक. और इट वॉज 3 मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक. और करीब 3 महीने हो गए इससे पहले कि वो, उसका जो टेंशन था वो धीरे धीरे, वो टेंशन जो डर था वो धीरे धीरे स्लैक हो रहा था. स्लैक मतलब धीरे धीरे वो कम हो रहा था, धीरे धीरे वो कम हो रहा था, उसकी मेमोरीज फेड आउट हो रही थी. करीब 3 महीना लगा, बट अभी भी वो डर गया नहीं है. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल. और उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया कि कैसे उसको अपने फेस को पानी के अंदर करके सांस छोड़नी है, एक्सहेल करनी है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल. और पानी के बाहर नाक निकाल के कैसे सांस लेना है, इनहेल करना है. आई रिपीटेड दी एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम. और सैकड़ों बार उसने इस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रैक्टिस की, बिट बाय बिट. फिर थोड़ा थोड़ा आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके उसके जो पैनिक कर रहा था, वो डर जो था, धीरे वो ख़त्म होने लगा. दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. तो चूँकि वो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, बराबर कर रहा था, तो वो जब भी वो पानी के अंदर जाता था और जो अचानक से वो पैनिक करता था और वो पुरानी मेमोरी याद आती थी, वो डर आता था, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, उस चूँकि प्रैक्टिस करने लगा, तो धीरे धीरे उसकी जो
उसकी जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। और फिर अगली बार क्या हुआ फिर इसके बाद कि ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर वो मुझे पूल के साइड में ले गया एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। और फिर वो उसने कैसे पैर से कैसे किक किया जाता है स्विमिंग में उसने मुझे बताया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, फिर वो कैसे वो अपने पैरों को कैसे चलाते हैं पानी में उसने बताया, और काफ़ी हफ्ते उसने इस चीज़ की प्रैक्टिस की पैर चलाने की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो इसके पैरों ने काम करना जवाब बंद कर दिया था, रिफ्यूज़ मतलब अब वो इतना थक चुका था तो अब नहीं उससे हो रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे उसको आ गया कैसे पैर को अपने लेग्स को कैसे फ्लोट किया गया पानी में, उसके पैर कैसे रिलैक्स्ड हो जाते हैं और वो सरफेस पे उसके पैर आ जाते हैं, और उसको फाइनली पता चल गया कैसे अपने वो पैर को कमांड दे कि सरफेस पे कैसे से किक मारना है। दस पीस बाय पीस थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में करके, यानी जैसे हमने देखा पहले वो इनहेलिंग एक्सहेलिंग सीखा, रोप के ज़रिए वो इधर उधर जाना सीखा, इनहेलिंग एक्सहेलिंग सीखा, देन उसके बाद पैर का स्ट्रोक मारना सीखा वो, तो ऐसे टुकड़ों में करके वो एक स्विमर बन गया आखिरकार। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब हर एक पीस पे वो उसने परफेक्शन पा ली, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर सारे पीसेस को एक साथ करके वो एक इंटीग्रेटेड होल बन गया उसका। इन अप्रैल में ही सेड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, अब तुम डुबकी मारो पानी में जाओ और पूरे पूल के लेंथ को कवर करो तैरते हुए, कौन सा प्रैक्टिस करते हुए, क्रॉल स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक होता है, एक मतलब तरीका होता है स्विमिंग करने का। आई डिड, और उसने किया भी, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और जब उसने ये कर लिया कम्प्लीट तो इंस्ट्रक्टर का काम जो था वो ख़त्म, यानी जो ट्रेनिंग उसको देनी थी वो डगलस उसने दे दी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अब यहाँ पे डगलस बोल रहा है कि इंस्ट्रक्टर तो अपनी ट्रेनिंग दे के फिनिश कर दिया उसने काम, लेकिन यहाँ पे वो फिनिश नहीं हुआ, उसका काम फिनिश नहीं हुआ, किसका, डगलस का। अगेन उसका अभी भी डर है कहीं ना कहीं, तो वो उस ही जस्ट वॉन्ट्स टू ओवरकम हिज फियर, इसलिए कह रहा कि आई एम नॉट फिनिश्ड, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सो आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो ये कह रहा है कि मैं वही ये इमेजिन कर सोच रहा है कि क्या होगा अगर वो अगेन पूल में अकेला होगा और ये टेरर जो है अगेन उसको ये डर आ जाए तो क्या करेगा वो। आई ट्राइड इट, फिर वो कोशिश करना शुरू किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और वो पूरे स्विमिंग पूल में तैरना शुरू किया, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट साइड राइट साइड। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और थोड़े थोड़े वेस्टिजेस मतलब होते हैं जो एक जैसे कि मेमोरी का एक हिस्सा, तो छोटे छोटे एक अवशेष पुरानी डर की ओल्ड मेमोरीज के हिस्से उसको या उसके डर आते थे वापस। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब वो अपनी भाव से कोड़ कर उस डर से कह सकता है, कहता है कि ट्राइंग टू स्केयर मी, कि मुझे तुम डराओगे डर, वेल हियर्स टू यू, अब तुम देखो। एंड ऑफ आई गो फॉर एंड द लेंथ ऑफ द पूल, और फिर वो अगेन वो पूल की वो पूरे स्विमिंग पूल के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी वो तैरता है स्विमिंग करता है एक साइड से दूसरी साइड ओर। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो इस तरह चलता रहा जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अगेन डगलस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी स्विमिंग से। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेट, और वी अभी भी श्योर नहीं है कि उस सारा डर उसका चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, अब वो वेंटवर्थ लेक जाता है जो कि न्यू हैम्पशायर में रहता है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ड्रेक्स आइलैंड, और फिर वहाँ पर वो जाके डुबकी लगाता है अ डॉक एट ड्रेक्स आइलैंड में। एंड स्वाम 2 miles, और वो 2 मील तैरता है अक्रॉस द लेक और झील के उस पार टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक जाता है वो। आई स्वाम द क्रॉल ब्रीज स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, तो उसने सारा स्ट्रोक यूज़ कर लिया, यानी ये सब जो स्ट्रोक है ये स्विमिंग के तरीके हैं, तो ये उसने सारा स्ट्रोक उसने यूज़ किया और करीब 2 मील तक उसने वो स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और सिर्फ एक ही बार इस 2 मील की तैराकी में सिर्फ एक ही बार उसको वो डर पुराना डर वापस आता है उसका। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब वो झील के बीचों बीच में होता है, आई पुट माय फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और जब बीच में होता है तो अपने फेस को पानी के अंदर डालता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिवाय क्या, अतः पानी के, यानी ऐसी गहराई जिसकी कोई ऐसी ग्रह जिसे कोई बेस नहीं है, कोई बॉटम नहीं है, इतना गहरा पानी।
the old sensation returned in miniature. मिनीचर मतलब था थोड़ा थोड़ा करके, तो अगेन जब उसने किया तो थोड़ा धीरे धीरे उसका सेंसेशन, जो डर का सेंसेशन था वो पुराना, वो वापस आता, इससे वापस आ जाता. आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन वो अब क्या है, अब जब वो आता तो वो डर आता तो वो अब हंसता और क्या कहता कि वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आपको क्या लगता है कि तू मेरे साथ क्या कर सकता है. सो इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. तो वो ऐसे बात करता डर से और क्या करता, वो फिर स्विमिंग वो करना शुरू कर जाता. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक संदेह उसके दिल में था. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और जैसे इसको पहला मौका मिला वो वेस्ट की ओर गया. वेंट अप द टेटॉन टू कॉन्ड्रैड मीडोज, अप द कॉन्ड्रैड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक. तो ये प्लेस का नाम है. तो जैसे इसको मौका मिलता है वो वेस्ट की ओर जाता है, टेंटॉन जाता है, टेंटॉन से कॉन्ड्रैड जाता है, फिर कॉन्ड्रैड क्रीक ट्रेल से मीडियो ग्लेशियर जाता है, और वहाँ पे कैंप लगाता है हाई मीडो के पास, वॉर्म लेक के पास. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, और फिर अगले सुबह क्या करता है, वो अपने कपड़े उतारता है, डाइव इन टू द लेक, और झील में कूद जाता है, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. और फिर वो कूद जाता है पानी में और तैरते हुए वो आगे पीछे तैरते हुए टू दी अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू. और इस तरह वो अपनी वो लेक में वो स्विमिंग पूरी करता अपनी, जैसे कि डॉग कॉर्पन ने पूरी की, जैसे वो करता था, स्विमिंग करता था. ये एक बहुत बड़ा स्विमर है डॉग कॉर्पन. आई शाउटेड विद जॉय, और जैसे उसने वो पूरा कर लिया वो उस वॉर्म लेक में जाके, तो वो तेज़ी से चिल्लाता है आनंद के साथ. एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न, और जो वो जो माउंटेन एरिया रहता है, वो जो हिस्सा रहता है वो गिल्बर्ट पीक उसका नाम होता है. तो वो कहीं जब वो चिल्लाता है शर्ट विद जॉय, तो वो पूरा इको करता है, यानी गूंजती है उसकी पूरी आवाज़ उस गिल्बर्ट पीक में. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अब जाके उसने कहा यहाँ पे कि इस तरह उसने अपने पानी के डर को कॉन्कर्ड कर लिया, यानी जीत लिया. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, डगलस बताते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है, बहुत ही गहरी मीनिंग रहती है उसके लिए, है ना. इट हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर हिम एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट. और यहाँ डगलस बता रहे हैं ये वही समझ सकता है हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये वही समझ सकता है और वही अप्रिशिएट कर सकता है इस बात को, जो वाकई इस डर से होके गुजरा है और उस पर जीत हासिल की है. इन डेथ देयर इज पीस, और इसने बताया यहाँ डगलस ने कि डेथ में एक शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और इसने बताया कि मौत के डर में ही क्या है, एक आतंक है, सिर्फ आतंक है मौत के डर में ही. As Roosevelt knew when he said, और जब Roosevelt जानते थे, जब उन्होंने कहा ऐसा कि all we have to fear is fear itself. Roosevelt ने बताया था कि हमें जिससे डरना है वो सिर्फ डर ही है, यानी डर से अगर हम नहीं डरेंगे तो कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ डर से ही डरना है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो यहाँ डगलस बोलते हैं कि इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया, यानी मरने वो मरते मरते बचे हैं, ही हैड ए नैरो एस्केप ऑफ डेथ, वो बाल बाल बचे हैं, और जो टेरर था, ये द टेरर ऑफ दैट टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो इस डर की वजह से जो वो जो उनकी लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो इस वजह से बता रहे हैं कि इसके बाद जब उन्होंने ओवरकम कर लिया इसे, तो उनकी जो इच्छा थी जीने की वो क्या हो गई, और वो बढ़ गई. नाउ द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, अब वो और जीना चाहते थे. At last I felt released. आखिर में एक चीज़ बोलते हैं, At last I felt released. अब वो जाके ऐसा लग रहा है मानो कि he's been set free, जैसे कि वो आज़ाद हो गए हैं, free to walk the trails. अब वो इतने आज़ाद है कि वो अब ट्रेल से होकर जा सकते हैं, यानी पतली पतली जो रास्ते हैं पहाड़ के, वहाँ से जा सकते हैं. क्लाइम द पीक्स, अब वो चोट जो माउंटेन पीक्स होते हैं उस पर चढ़ सकते हैं. एंड टू ब्रश इट असाइड फियर, ब्रश आउट फियर मतलब अपने डर को एक तरफ करते हुए वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे लास्ट हम देखते हैं उन्होंने दिखाया कैसे कि वो एक तरीके से एक बॉन्डेज में थे. बॉन्डेज ऑफ वॉट, बॉन्डेज ऑफ फियर थे. तो वो जो फियर था वो एक ग्रिप पकड़ा हुआ था, ग्रिप जकड़े हुआ था उसे. तो वो अगेन वहाँ पे बताते हैं कैसे उन्होंने उस पर जीत हासिल की. ही ओवरकेम द फियर एंड बीन सेट फ्री, और उससे वो आज़ाद हुए अपने डर से. सो चैप्टर एंड्स हियर, और हमने देखा कैसे यहाँ पे डगलस ने अपने एक्सपीरियंस को बताया कैसे कि जो बचपन का डर होता है वो उनके एडल्टहुड तक जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को फेस किया और ओवरकम किया. मार्क ट्वेन ने कहा था
डू द थिंग यू फियर मोस्ट एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन. जिस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगे आप उसे करो, तो जो फियर की जो डेथ है वो निश्चित है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.